नमस्कार बच्चों, मैं सुमित्रा गौतम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पार्ट 3, बस की यात्रा। इसका आज मैं आपको सारांश समझाऊंगी। तो देखो बच्चों, बस इतनी जर्जर है कि इसमें लेखक सफ़र कर रहे हैं। जो बस जर्जर दिखाई दे रही है ना फोटो में, इसमें देखो आप पार्ट में, तो इस बस में कौन बैठे हुए हैं, इस पार्ट के लेखक बैठे हुए हैं, जिनका नाम है श्रीमान हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जो है वो उच्च कोटि के व्यंग्यकार हैं। व्यंग्य का मतलब होता है मजाक करना। इस यात्रा वर्णन पाठ में उन्होंने बताया है कि किस तरह से वाहनों के मालिक धन के लालच में पुराने घिसे हुए जर्जर अवस्था के वाहन सड़कों पर चलाते हैं। जैसे बच्चों ये बस चल रही है ना, उस तरह से ये जो बस चित्र में दिखाई दे रही है वो कितनी टूटी हुई है, टूटी फूटी सी है, और ऐसे लग रही है मानो कैसी है, डाकिन की समान हो, जैसे डाकिन रहते हैं ना, डाकू होते, उसके समान दिखाई दे रही है। फिर भी बस का मालिक इस बस को चला रहा है। काय के लिए चला रहा है? पैसे कमाने के चक्कर में। लेखक और उनके मित्र कंपनी के काम से संतरा गए थे, तो वापसी में जब वो आ रहे थे तो पन्ना के लिए उन्हें बस पकड़नी थी, और उन्होंने पन्ना के लिए जब बस पकड़ी तो उन्हें यही बस मिली। पन्ना और सतना क्या है, ये मध्य प्रदेश में है, ये स्थान के नाम है। उन्होंने फिर वापसी में क्या किया बच्चों, पन्ना के लिए बस पकड़ी, तो वो बस जो थी, ये चित्र में जो बस है वो थी, तो बस कैसी थी, बहुत जर्जर अवस्था में थी, बहुत पुरानी थी। उस बस में यात्रा कर रहे लोग काफ़ी डरे हुए थे। लेखक ने जब बस को देखा तो वो स्वयं से पूछ बैठा, अपने मन में ही स्वयं से पूछ बैठा, जैसे अपने मन में ही बोल लेते ना अपन, इस तरह से बोलते हैं कि आसपास वाला थोड़ा सा सुन सके, तो ऐसे पूछ बैठा, क्या ये बस चलती भी है? तो बस कंपनी का एक हिस्सेदार, बस कंपनी थी ना, उसमें 3-4 ने मिलकर के वो बस खरीदी होगी, तो उसका जो एक हिस्सेदार था, यानी जिसमें से एक हिस्सेदार जिसने पैसा मिलाया हो, वो हिस्सेदार उन्हें विश्वास दिलाने लगा कि डरने की कोई बात नहीं है, ये बस बहुत ही अनुभवी है। कैसी बस है बच्चों? अनुभवी, यानी उसमें कई बार कई लोग सफ़र कर चुके हैं और बहुत समय से ये बस चल रही है, इसको अच्छा अनुभव है, बस पुरानी बहुत है। लेखक को जो लोग विदा करने आए थे, लेखक को और उसके मित्रों को छोड़ने आए थे ना, वहाँ पर विदा करने जाते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ कोई आता है तो हम मेहमान आते हैं तो हम उन्हें छोड़ने जाते हैं ना, तो ऐसे उनको छोड़ने आए हुए थे, तो वो ऐसे देख रहे थे उस बस को, मानो उन्हें लग रहा था कि हम इन व्यक्तियों को अंतिम विदाई दे रहे हैं। बच्चों फिर इसके बाद क्या हुआ कि बस चल पड़ी तो ऐसे आवाज़ कर रही थी, बहुत आवाज़ कर रही थी, खटखट खटखट की आवाज़ हो रही थी। बस के जो सारे खिड़की थी और भी जगह के जो किवाड़ वगैरह थे और जो सीट थी, सब आवाज़ें कर रही थी। तो इंजन जिस सीट पर व्यक्ति बैठे हुए थे ना, वो लेखक और उसके मित्र, तो वो सीट के नीचे ऐसा लग रहा था मानो हर हिस्सा हिल रहा हो और अलग अलग जगह से हिल रहा था। लेखक लिखते हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो सीट पर बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है, समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि बस इतनी तेज हिल रही थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि हम सीट के ऊपर हैं कि सीट हमारे ऊपर है। अचानक क्या हुआ बच्चों, बस रुक गई तो पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। उन्होंने पता लगाया बस क्यों रुक गई थी, क्योंकि पेट्रोल की टंकी में वहाँ पर छेद हो गया था। काफ़ी देर बाद फिर बस चली। लेखक को अब बस पर भरोसा नहीं रहा। लेखक को क्या हुआ बच्चों, अब भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि लेखक को लगा कि ये तो रुक रुक के चल रही है, कभी ख़राब हो जाती है,
तो उसको भरोसा नहीं रहा। सड़क के दोनों तरफ लगे हरे हरे पेड़ लेखक को ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो दुश्मन की तरह। जब बस चल रही थी ना बच्चों, तो सड़क पर दोनों तरफ क्या था, पेड़ लगे हुए थे और बीच में सड़क थी, तो इधर भी पेड़ थे उधर भी पेड़ थे। तो लेखक ने उनको देखा ना बस में से, तो ऐसे लग रहे थे दुश्मन की तरह कि कहीं ऐसा ना हो कि बस पेड़ों से टकरा जाए, ऐसी आशंका उनको सता रही थी। पानी की झील दिखाई दी, अचानक लेखक को क्या दिखाई दिया, पानी की झील। तो सबको डर लग रहा था ये बस कहीं झील में ना गिर पड़े। एकदम फिर बस अचानक रुक गई। अचानक क्या हुआ बच्चों, बस रुक गई। ड्राइवर उसको चलाने के लिए कई तरीके अपनाने लगा, लेकिन बस चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मानो ऐसा लगा कि स्वज्ञा आंदोलन छेड़ दिया हो। स्वज्ञा आंदोलन क्या होता है? स्वज्ञा आंदोलन गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। तो ऐसे ही लग रहा था कि मानो बस ने भी ठान लिए कि मुझे तो आगे चलना ही नहीं है। बस कैसी दिखाई दे रही थी? ऐसी दिखाई दे रही थी मानो कोई वृद्ध महिला होती है ना बुढ़िया, वो थक जाती है ना और थक करके बैठ जाती है। जैसे कोई काम कर रही हो कोई वृद्ध महिला, थोड़ा सा काम करती है फिर थक जाती है, ऐसे ही वो बस थोड़ी थोड़ी देर में थक करके रुक जाती थी। बस के एक हिस्सेदार ने इंजन खोला, कुछ सुधार किया, तो दोबारा से वो बस फिर से धीरे धीरे चलने लगी। उस समय बच्चों क्या था, चांदनी रात थी। चांद के प्रकाश में धीरे धीरे बस आगे की ओर बढ़ रही थी। चंद्रमा का प्रकाश होता है ना बच्चों, तो उसकी रोशनी में बस आगे की तरफ बढ़ रही थी। बस आगे चलकर एक पुलिया पर पहुंची, तो अचानक क्या हुआ बच्चों, बस का टायर फट गया। बस का जो टायर था ना वो फट गया। बस नाले में गिरते गिरते बची। लेखक वो व्यंग कसते हैं कि कंपनी के एक हिस्सेदार ने कहा, कुछ नहीं होगा ये हमारी बस है। यानी जो हिस्सेदार था वो क्या कह रहा था, जैसे बस खराब हो रही थी या बस का टायर खराब हो रहा था, तो वो अचानक क्या कहता था बीच में ही बोल करके, नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा, ये बस हमारी है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा घिसा टायर लगाया, दूसरा एक और टायर था उनके पास जो घिसा हुआ था, वो उन्होंने उस पर लगा दिया। फिर बस चल पड़ी। लेखक ने अब पन्ना तो क्या, लेखक ने सोचा कि अब तो पन्ना तो क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद नहीं है। पन्ना जो स्थान था जहाँ पर वो जाना चाह रहे थे, तो लेखक के मन में तो ये विचार आ गया कि हम वहाँ तो पहुँच ही नहीं सकते, लेकिन हम तो कहीं भी नहीं पहुँच सकते हैं। लेखक के मित्र कहने लगे, हमने तो पन्ना ही नहीं कहीं पर भी पहुँचा दो, लेकिन हमें हमारे स्थान पर कहीं भी पहुँचा दो। तो बच्चों जिंदगी इसी बस में व्यतीत होगी, ऐसा भी लग रहा था उनको। लेखक के जो मित्र थे ना वो क्या कह रहे थे लेखक से, कैसा लग रहा है कि हमारी जो पूरी ज़िंदगी है ना वो इसी बस में कट जाएगी, प्राण भी यहीं निकल जाएंगे। इस तरह बस में वे मित्र जो थे लेखक के, वो मजाक कर रहे थे, आपस में मजाक कर रहे थे, कह रहे थे बस तो बार बार में रुक रही है, कभी तो इसका टायर पंचर हो रहा है, कभी इसके क्या हो रहा है, कभी इसका इंजन ख़राब हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बस है ना ये क्या है, जैसे वृद्धा की आंखें होती है ना कि उसकी ज्योति चली जाती है तो वो धीरे 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 आगे बढ़ती है, तो इसी तरह से ऐसा लग रहा था कि मानो बस भी धीरे धीरे आगे जा रही है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि इस तरह तो हम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो मजाक कर रहे थे आपस में और कह रहे थे कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि प्राण भी हमारे इसी बस में निकल जाएंगे। तो बच्चों ये है इस पाठ का सारांश। इस पाठ को किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। धन्यवाद बच्चों, ये मैंने आपको पाठ का सारांश समझा दिया। अब आप पाठ को अच्छी तरह से समझना, पढ़ना और फिर उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर करना। धन्यवाद बच्चों।